अरे कैसी कैसी हो ससुराली तो दो चार दिन हमारे साथ रहिया तो बेटी आ ही शाम तान राजा तो चली जाती। अब कहा जाहू महाराज, मैं राम भजन में नहीं है जहाँ मैं कहे दो चार दिन तुम्हारा साथ रहती तो कहा अरे वतना से फिर मैं दूसरा जगह जबई हूँ। साधु बोले कहा बेटी हमारे साथ रहिया तो का कोई दंड न कोई तकलीफ नहीं मिले, जैसा हम खाबो तैसा तुम कोनो दिन कहबे तक घी मिली, कोनो दिन कहबे शक्कर मिली, कोनो दिन कहबे तक खाना पीना मिली, और बेटी मांगने खाने वाले तो आंचे हैं भाई, कोनो दिन वो मुठ्ठा भर चना, कोनो दिन वो भी मना, ऐसी तो होता है बेटी दुख सो का कुछ तक ते हमारे साथ रहिया। रानी बोले कहे का कर्म भटक के दो चार दिन साधु साथ रहिया, अब आखिर तू आई गई से मोर मृत्यु, ऐसे का किसत बती रानी हम साधु साथ रह गए से। अगर साधु बताए कहे बेटी एक काम करे पड़ी, 88,000 जोगी हवन देखी नानी, कोनो किनाने के धोनी बारे पड़ी, कोनो किनाने का गड़गड़ पूरे पड़ी, कोनो किनाने बिस्तर लगवे पड़ी, कोनो कहे भाई सेवा टहल सबकी करनी पड़ी। हाँ महाराज जो भी बनी तोड़ कर हूँ सत्वा तिरानी बाबू वैसे होते करते बुझे तीन चार दिन रही से। अब रात की रानी आ झूला झूला भाट जब फरी से रंधाई झगड़ा और टहल और टकोर साथ उनके तहत धुंध ही बदल गई रानी की। राजा सतबती कचहरी फुर्सत न मिले रे, फुर्सत न मिले ओए गोरा बदन रहे तो काला हो गए राजा, काला पड़ गए हाय रे राजा रे घनसर जल थे। रानी कहे क्या बता मैं, अतना दिन रानी बन के रहो रे, अब क्या बता मैं 88,000 जोगिन के फांगड़े पड़ गए। एक दिन ऐसे होते सागला साधु भगे रहा मुठ्ठी मांगे कि नानी, सुनना रह रहा है वो कह साधु घाट सत्यवती देवी कहा इतना दिन तू साधु साथ जी आओ खाया शांतानु साथ भी जी आओ खाया, या कर सुख नहीं मिले मौका भूला गए दुखी छाई, का करूं ये दुनिया में रख के जाओ या गंगा में जाए के कूद के खत्म हो जाओ। ऐसे कह के सत्यवती रानी अपन के धरी से कपड़ा चिथरा और दहाय कि नानी जाथो कह के गंगा के तट में बैठ के देखे पानी का, देखते जाते देखते जाते देखते जाते वैसे होते करते में साधु बाबा एक दो एक दो एक दो हो नहा किनाने जाए घाट में, तो नहीं मौका में सत्यवती रानी उठी से और जहान कूद गए दोहार मां। ओए देख साधु कहे डाउड़ो 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 डाउ भाई वाडे चगड़ो 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 भोए लगे सत्यवती। हाथ पकड़ के साधु भी कूद गए भाई पद्धत सत्यवती का पकड़े कि नहीं, पकड़ते जाते हैं नानते जाते हैं तीर मन आनते जाते हैं पकड़ते जाते हैं उठाते जाते हैं सत्यवती रानी के प्राण छाड़। अब साधु फंस गए वहां का ये
काली काला शांता पता पावा झरे नहीं मार मानना यह देख भला का सब तो तिरानी के नान रहे रहे हमारे कुछ दिन तक तो यदि प्राण दे दे सिंह क्या बताऊं उनका किस साधु बड़ा अफसोस में पड़ गए कछार में चंदन काट के कहे सूखी नकड़िया मगा के सत्यवती देवी की ओर गंगा के कछार में फिर उखा अग्निदान संस्कार करी। करने के बाद वह भाई उनके आगी न बीते रहते के दूसरे दिन से शांता का अकेले रहा या महल में वहां खाने सुहाय इतना देना खाया न पिया काम करन होता कर राज चलायन महल चलायन अब ये कुन्नोच नहीं आए तो कष्ट ना करो भाई जान नहीं महू निकल के भगवान का किसान तन को निकल गई से दसो महल रहते में का बताओ न ये ठिकाना शांतनु राजा दसो मंदिर में काय तारा कुंजी ठोकी श्री भाई का हर हाथ में धरे कमंडल मृगचाला धर के रे दादा का साधु की भेष लेके शांतनु भी निकल जाता है। ओहो देख राजा राजवाड़े का ये नारी शांतनु जो कयो भक्त है मैं राजा महाराज कष्ट है गए तुम राजा ऐसे आठ दस दिन का महना दो महना पंद्रह पांच छह महना हो थरानी भगेर तय नहीं कर गए कष्ट बहुत है राजा शांतनु का जब भयन राजा तब भयन रे राजा राजा न कहिया हम खा वधेरा हम भोजन मारे धान लागी कैसे री हमारे भान शांतनु जस्ता रजस्ता रानी भटके तस्ता वो भी भटकता री चले जाता है ओए महीना पंद्रह दिन लग गए रे शांतनु का भाई ओए ऐसे होते करते मेरे धनी राजा मैं 88,000 शरीर देवता ऋषि रहा तूने ढेगा शांतनु पहुंचाए देख शांतनु को ऋषि कही दादा रे आज रानी रहते तो राजा खतई देता यह नहीं देखा है आज राजा भी आ गए क्या बता मैं का जवाब दे वो कहा हम साधु कैसे पहुंचे राजा महाराज रानी के खोज में जो कैसे शांतनु का भाई मोही रानी वाने से कोई मतलब नहीं आए तब तय जो कैसे निकले हाथ बस वस्ते मौका है मैं रह देखो महल में मोही कोई मतलब नहीं आए मंदिर से कोई मतलब नहीं आए राम भजन में मौला दीन हो गए और भाई दो चार दिन राम के भजन करी लेता बताओ दादा तो खर्रा खींच ले तन रे शांतन खत्म भाई खत्म है जाता देख मारे डर लगता है कहा हंसने तो रानी खर रखे रहा दादा काल है वह दिन दे आगे माटी देखी रिची है